देखिए, इस प्रोडक्ट को लेकर कुछ कंप्लेन थे जो लोगों के, वो कमेंट के रूप में आए थे हमारे पास। और इसके बारे में हम बताते हैं कि जैसे कुछ लोगों का कमेंट था कि मैं इसको लेकर फंस चुका हूँ, ये हीट नहीं होता। तो यहाँ पर दिखा दें, इसमें कुछ एडवांस फीचर हैं और इसकी जो सेटिंग होती है, कुछ सेटिंग यहाँ पर की जाती है। इसमें हम एक इजी ऑप्शन बताते हैं, आप जो ले चुके हैं इसको, वो ऐसा करके देख लें। जैसे इसका भी हम यहाँ इनपुट करंट का ड्रॉपिंग भी यहाँ पर दिखाते हैं इस कलर मीटर के द्वारा। ऐसे इसे हम एसी पे सेट करते हैं। अभी ये हो गया एसी पे और ये हो गया 0 0, और यहाँ रेड वायर में ऐसे लगा देते हैं। अभी हमारा इनपुट एम्पियर्स शो करेगा जो इसमें ड्रॉपिंग होगा, यानी जितना ये टेम्परेचर लेगा उसी के अनुसार ये इनपुट एम्पियर यहाँ पे ड्रॉप का दिखाएगा। चलिए इसे ऑन करते हैं। देखिए, ऑन कर दिए तो 58 से शुरू हुआ, यानी 580 मिली एम्पियर करंट। अभी देखिए, जैसे ये पूरा यहाँ पर देखें, जैसे जितना सेट किया गया करंट है आ गया, यानी 440। अब यहाँ पे 440 सेट किया गया है तो ये पूरा उतना ये हीट हो गया, वहीं पे आकर ये रुक गया। अब इसकी सेटिंग देखिए, अब यहाँ पे जब हीट हो गया है तो इसके बाद देखिए, एम्पियर जो इनपुट करंट ले रहा था ये अब कम और ज़्यादा हो रहा है। यानी जैसे आप यहाँ पे कोई भी काम किए और काम करने के बाद इसे रख दिए, और रखने के बाद ये अपने आप ये जो है उसी के अनुसार ये कुछ देर वेट करेगा, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये कम या ज़्यादा होगा, बैलेंस बनाए रखेगा, यानी इस टेम्परेचर के अनुसार। जैसे ये थर्मोस्टेट अंदर लगा हुआ है जो इसके हीट को सेंस करता है, और हीट को सेंस करने के बाद यहाँ पे इसके करंट को इनपुट कराता है, तो उसी के अनुसार ये मेंटेन किए रहता है। जैसे ये नीचे टेम्परेचर जाएगा, जैसे उसमें बैलेंस करेगा, कुछ देर बाद सेंस करने के बाद ये नीचे जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये जैसे इतना टेम्परेचर हमने यहाँ पर सेट किया है, अब आपके पास अगर ये होगा तो एक एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सेटिंग का। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सेट, अब ये जैसे हमने यहाँ पर 480 सेट किया था या 450, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये नीचे 480 पे सेट करके और ऐसे इसे पुश कर देते हैं। अब ये देखिए 550 पे जाएगा, ठीक है, ये इतने डिग्री पे ये इसकी हीटिंग हो गई, ये सबसे मैक्सिमम है। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए अब इस पे जो है आप कितना भी मोटा शोल्डर, ये देखिए ऐसे, क्योंकि ये शोल्डर वायर का इसका ग्रेड होता है उसी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये पिघलता है, यानी सोल्डिंग होता है। जैसे ये है, इसका अलग है, यहाँ पे ये इसका जो है अलग ग्रेड है। अब यहाँ पर देखें, इसको हम ऐसे बंद करते हैं, यहाँ से बंद कर दिए, फिर इसे ऑन करते हैं। अभी अब देखिए, यहाँ पे 480 पे हमने सेट किया है और ये 480 पे आकर इसे मेंटेन कर दिया, ठीक है, इसकी हीट को। अब हमको 480 डिग्री से अधिक इसकी हीटिंग चाहिए, तो इसको और ज़्यादा करने के लिए, तो जो जहाँ पे सेट लिखा है, जब इसे आप इसे ऐसे अंदर की तरफ पुश करेंगे ऐसे, अभी सीधे 5.5 यानी 550 पे जाएगा डिग्री पे। अभी ये 550 डिग्री सेल्सियस पे ये जाकर रुक गया। अब आपका जो भी काम है, आप सोल्डिंग का काम करेंगे, उतने देर में ये थोड़े देर में ये सेट किए गए पैरामीटर पे लाकर इसको सेट करेगा अपने आप ऑटोमेटिक। अभी देखिए, मान लीजिए आपने इतने देर में ये काम को किया सोल्डिंग को, अब देखिए ये लाकर यहाँ पर सेट करेगा 480 पे, क्योंकि 480 पे हमने इसके पैरामीटर को सेट किया है। अभी 480 पे रुकेगा, ठीक है। अब इसके बाद
फिर थोड़ी देर रुकेगा यहाँ पे नॉर्मल पे, फिर ये आइडियल ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ये हमने मैक्सिमम इसलिए बताया है कि इसका टेम्परेचर जो 550 की, अगर आप इसके टेम्परेचर को देखेंगे तो जिस समय आपके आयरन हीट नहीं हो रहे हैं वहाँ पर देखें कि कैसे हमने सेट किया है। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक है, क्योंकि इसकी सेटिंग जो नॉर्मल, यहाँ पर देखें तीन ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर 450 सेट कर दे 480 की जगह पे, तो इससे मैच हो जाएगा नीचे वाले से, इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग ये अपने आप यहाँ पर सेटअप बना लेगा। कैसे, अभी देखिए जैसे सेट लिखा हुआ है, पहले बूस्ट लिखा था, अब सेट लिखा है। सेट का मतलब कि जिस पे आप सेट किए हैं। अब इसके बाद ऑटोमेटिक मोड चेंज करेगा ये, देखिए अभी ये मैं ऐसे लाइव दिखा रहा हूँ, जितना देर पे सेट होगा आप घड़ी देख सकते हैं। ये देखिए अब लिखा हुआ है आइडियल। अब आइडियल का मतलब ये यहाँ पर जो नीचे सबसे लिखा हुआ है 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अब ये 200 तक का आएगा। देखते जाइए ये वेट करता रहता है कि बीच में अगर ज़रूरत हो तो ये बाई चांस ये अगर उठ गया या हिल गया ये हैंडल आयरन का, तो ये फिर तुरंत उतना जितना सेट किए हैं हम 480 वहाँ पर ले जाएगा ये टेम्परेचर। देखते रहिए जहाँ पे आइडियल लिखा हुआ है, अभी वहाँ पे जैसे ये 200 आएगा, 200 के बाद जो स्टार्टिंग होगा मोड इसका ये स्लीप। अभी इसका जो इसके सेटिंग के अनुसार जो इसका मोड चेंज हुआ है ये स्लीपिंग का हुआ, अब स्लीप में जाएगा। अब ये जो मिनिमम में जाएगा टेम्परेचर को डाउन करेगा, यहाँ पर देखें ये इनपुट है जो करंट ड्रॉपिंग हो रही है और यहाँ पर इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। अब ये ड्रॉपिंग लेकर जाएगा रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्टॉप करेगा। अब रूम का जो टेम्परेचर जैसे ठंडी में कम है या मान ली गर्मी के समय है, तो उसके अनुसार ये उसी पे टेम्परेचर पे ले जाकर रोक देगा। और कुछ देर बाद अगर उसे आप यूज नहीं करेंगे तो स्लीप मोड में कर देगा, यहाँ 0-0 करंट हो जाएगा ड्रॉपिंग और यहाँ पे जो है हीटिंग बंद हो जाएगी। फिर जैसे आप उठाएंगे 5 सेकंड के अंदर ये ले जाकर पीक पर सेट किए गए पैरामीटर के हिसाब से ये हीट कर देता है। ये मैंने ये इजी सेटिंग बताया है कि चाहे जिस सेटिंग पे हो या आप मैनुअली ऐसा करके देख सकते हैं। आप अगर बंद भी कर दें तो जैसे फिर ऑन करेंगे फिर आपका जो पैरामीटर यहाँ पर सेट किया रहेगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे स्लीप है, स्लीप के नीचे 480, तो 480 इसका पैरामीटर सेट किया गया है इसके अनुसार। अब 480 पे जैसे जाएगा फिर आपको 480 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो इसे अंदर की तरफ प्रेस कर दें, जैसे प्रेस करेंगे जैसे 550 हो जाएगा, उतने देर में आप अपने इस हाई टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं। ऐसा करके देख लीजिएगा अगर आपके पास ये है, और मैं फिर भी इस पर भी देख ही रहा हूँ, इसका एक्सपीरियंस अभी कुछ ही दिन हुआ है हमको इसको लिए। अभी ये देखिए 69, 68, अभी ये जो वैल्यू गिर रही है यानी नीचे की तरफ डाउन हो रहा है ये इसके टेम्परेचर को सेंस करते हुए चल रहा है। ये जो इसका टिप है आगे जहाँ से सोल्डिंग किया जाता है ये इसकी सेंसिंग को बताता है ये, और ये वाला जो है ये सेटिंग किया गया। और यहाँ पर तीन मोड है, यानी अगर आपका 200 है तो 350 पे अगर सेट कर दिए तो यहाँ 350 और इसके बीच में जो है ये अपना मोड सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। अब इस समय 35 तक ये पहुँच चुका है, अभी रूम के टेम्परेचर के अनुसार आकर अभी रुकेगा।
क्योंकि इस समय ठंडक का मौसम है, तो यहाँ पे उतने पे आकर रुका। ठीक है, अब इसी कंडीशन में अगर इसे हम उठाते हैं हैंडल को, तो देखिए जैसे ये हिला हैंडल, यानी इधर गया या यहाँ से उठा, तो ये अपने पीक पर जाएगा जो पैरामीटर यहाँ पर सेट किया गया है। अभी ये जाकर रुक गया। ठीक, अब इसके अनुसार आपका यहीं पे अगर काम है तो इतना चलता जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा चाहिए तो ऐसे प्रेस करिए अंदर की तरफ, इससे एबव ले लीजिए, इससे ज़्यादा। ठीक, ऐसा कर कर देख लीजिए। ये देखिए पूरा हीट है, इसकी हीटिंग एकदम टेम्परेचर हाई है इस समय। ये शोल्डर वायर हाई ग्रेड का है। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पे कालापन आया है, तो इसे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप इसे साफ कर सकते हैं। ऐसे अभी तो हमने इतना पीक पे ले गए हैं, तब ये जो है इतना काला हुआ है, और इतना दिन से अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी इसमें बीट में अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है कि ये ब्लैक हो गया हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।